दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। आप पूछेंगे कि चुनावी मौसम है और ऐसे में महाकवि दिनकर की रश्मि रथी की ये पंक्तियां मैं क्यों पढ़ रहा हूं? जी हाँ, उसकी खास वजह है, क्योंकि भगवान दुर्योधन के दरबार में जब पहुंचे हैं तो उन्होंने 5 गांव मांगा है, और उन 5 गांव में से एक गांव जो मांगा गया था वो था व्याघ्रपथ, यानी कि आज के जमाने का बागपत। दुर्योधन वो नहीं दे सका था और महाभारत युद्ध हो गया था। इस बार फिर से एक युद्ध है, चुनावी युद्ध है, और इस वक्त हम यहाँ बागपत में मौजूद हैं समझने के लिए कि यहाँ पर सब कुछ वैसा ही रहने वाला है या फिर यहाँ बदलाव की बयार बह रही है। तो महाभारत कालीन जो पृष्ठभूमि है इस पूरे इलाके की, और सिनौली गांव जहाँ से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, शुरुआत यहीं से, और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि आखिरकार वो मुद्दे कौन कौन हैं जिन पर वोटिंग होने वाली है। जाहिर है सुरक्षा एक मसला इस पूरे इलाके में बार बार कहा जाता है, लेकिन गन्ने की पेमेंट की भी बात है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर अगर जयंत चौधरी और अजीत सिंह और उसके पहले चौधरी चरण सिंह के परिवार से लगाव लोगों का है तो योगी आदित्यनाथ से दुराव भी नहीं है। लेकिन एक सबसे अहम बात है और वो है गन्ने की पेमेंट का मसला, और किसान कैसे सोचते हैं और क्या चुनाव को वो इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। हम बागपत के सिनौली गांव में हैं, और श्रीराम शर्मा जी, ये आपका खेत है जहां इस वक्त हम खड़े हैं। जी सर। ये सिनौली गांव दर्शकों को बताइए, सबसे ज्यादा पुरातात्विक वाले यहाँ क्यों आते हैं? पुरातत्व वाले यहाँ पे पुरातत्व से मिलते जुलते अवशेष मिलते हैं, खुदाई महाभारत कालीन से मिले हैं। क्या क्या मिले हैं यहाँ पे? जो है सोने का मुकुट मिला है, अर्थ मिला है, 2 रथ मिले हैं यहाँ पे, और कोपर की तलवार मिली है, कोपर के कंगन मिले हैं, मर्दभान मिले हैं, और भी और चीजें होंगी। हाँ हाँ, बहुत रेस दबा है यहाँ पे जमीन में, अगर खुदाई हो, अभी अधूरा है, फिर का सरकार कोशिश में है खुदाई करावे। अच्छा, हाँ जी। तो ये इनके खेत में इतने पुरातात्विक इतिहास दबे हुए हैं, जी, जी, है? जी। और एक युद्ध था महाभारत, और एक युद्ध चुनावी है, चुनावी है। अभी युद्ध चल रहा है। मैं तो बीजेपी का पक्का, ये बड़ा गलत लोग है, हमारे साथ में। अच्छा, बच्चे हमारे साथ में। हाँ, लेकिन बाबा का खौफ है। बाबा ने खौफ है, इन्हें यूँ नहीं पता कितनी गुंडागर्दी खत्म कर दी। आप तो देख रहे होंगे यहाँ, ये निकल जाते हैं बुग्गी मारे साल की थालियाँ, बाबा चिड़े नहीं होते दे रहा, मोटरसाइकिल तारे थे ये मोटर चोर पाजा, कौन पाजा? ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। अब आप युवा है, आप बताएं कि क्या एक तरफा मामला है या फिर जयंत अखिलेश? सब एक तरफा है बीजेपी का। बीजेपी का तो कह रहे थे कि जयंत और अखिलेश के आने से माहौल यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा उस गठबंधन से, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। बना रहे हैं नहीं, वे भी जाट भी बेवकूफ नहीं बना रहे, 50-50 है सब यहाँ पे, 50-50 सब 50-50 यहाँ से कोई बेवकूफ नहीं बना रहा। मोमडन अपने साथ है, 10% मोमडन अपने साथ है, मतलब भाजपा के साथ, भाजपा के साथ, और 50 और उस तरफ, मतलब इस बार जयंत के साथ लोग हैं या नहीं? नहीं, जयंत के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है। अब क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें लोगों के दिमाग में होंगी? सर, सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम में विकास, और विकास आज के टाइम में बीजेपी के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है, जो पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हर जैसे कि हाईवे दे दिया हमारे यहाँ पे, जैसे हाईवे दिए हैं, ये धारा 377 कश्मीर वाला मुद्दा था वो खत्म किया है, और उसके बाद अभी भी पार्टी काम कर रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, हर चीज आइए, आप हर जनधन की सुन रही है सबकी। इधर आइए, पीछे पीछे से जोर से बोलते हो, आगे से आगे से बोल रहे हैं। बताओ। हाँ जी, ये बताओ कि इस बार किसका पलड़ा भारी? जयंत का। पर ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो जनता है, जनता तो कहू जाएगी, पर जयंत का है पूरा, और जयंत का एरिया जट्टू का गांव है। वो तो जीत हो या हार हो, आप हमेशा यही कहोगे, लेकिन पिछली बार तो यहाँ कमल खिल गया। नहीं, पिछली बार तो लहर थी, अब लहर नहीं है। क्या बदला गया?
बदलेगा कृषि कानून पे, बिल्लू पे, सब रंगो पे बदलेगा। एक लेंडा छोड़ रखा है, किसी ने कहा यहाँ से भाई लेंडा छोड़ रखा है, बंधवा दे। ये बिजार है जो पशु है, आवारा पशु, आवारा पशु। सब तरह सब दिन हो गया, सब तरह तो योगी जी ने थोड़ी छोड़ा, यही तो इसी इलाके में मैं थोड़ा छोड़ा, सरकार तो उसी में है। योगी थोड़ी ना छोड़ने, छोड़ने तो हम लोग पकड़ो सरकार ने, तो ना बंद और फिर चलाओ जैसे पहले चलाओ थे। सरकार का काम है, दूध पीकर क्यों छोड़ो ऐसा चलता रहेगा। अब आप बताओ, आराम से सोच समझ कर बताओ, ये जो कह रहे हैं हम अपनी बात सही बोल रहा हूं कि नलके का भी इस बार जोर रहेगा, है पिछली बार से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? पिछली बार से ज्यादा रहेगा, कुछ टक्कर में रहेगा, टक्कर में रहेगा। तो मतलब सीटें किसी को भी जा सकती हैं, भाजपा को भी जा सकती हैं, हाँ किसी को, नलके को भी जा सकती हैं। यहाँ जोर सबसे ज्यादा भाजपा का है, कोई कुछ जो सरकार भाजपा की बनेगी, कैंडिडेट भी भाजपा से जीतेगा। रालोद की है वोट है, लेकिन इतनी नहीं है, तीन तिहाई वोट मान के चलो, तिहाई भाजपा की है, चौथाई रालोद की है, और बाकी बसपा वसपा तो थोड़ी बहुत छटपट पटपट होते रहते हैं। आप इधर आओ, आप इधर आओ, देखो एक पृष्ठभूमि है यहाँ पे। पिछली बार क्यों वोट दिया गया था याद करो? नहीं देखो, पिछली बार जो वोट दिया गया था, झगड़े लड़ाई ये वो तो खत्म हो गया या अभी भी है? नहीं अभी कुछ नहीं है, हाँ। जब से योगी जी आए जब से कुछ नहीं है, झगड़ा प्रसाद खत्म हो गया सबसे। किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, किसी कोई परेशानी है ही नहीं। हमारा पेमेंट कहा था कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा गन्ने का, हाँ। कोई पेमेंट नहीं हुआ। एक महीने में एक पर्ची आवे 6,000 रूपए की, 7,000 रूपए की, बस पेमेंट ये कहा था कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। हर महीने सुरक्षा का मामला भी है, सुरक्षा का आया तो सुरक्षा, जहाँ घरों बैठे सुरक्षा के करेंगे, कहीं बैठ जाएंगे मरेंगे, बोलते हैं यहाँ पे चल नहीं सकते थे पहले, खाएंगे तो सुरक्षा को खाओगे के? अरे नहीं, कौन के पहले कहते हैं चल ही नहीं पाते, कुछ खान को नहीं मिलेगा जब चलन की बात है। हम 60 साल की उम्र हो गई, हम चलते चलते वोट बड़े हो गए। अगर कोई गलत करेगा, अगर कोई गलत करेगा तो उसके लिए तो गलत होगा। तो जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ था वो खत्म हो गया? नहीं मेरे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं, इलाके में नहीं कहीं नहीं, 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 नहीं कोई बताओ नहीं, कोई झगड़ा नहीं है हमारे, हमारे गांव के मोमडन गांव के गांव में रहे, सेफ रहे, कुछ कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारे यहाँ, कोई ना कोई सामुदायिक झगड़ा हुआ। मलिक है, मेरा रिश्तेदार है, विधायक है, विधायक है मेरा रिश्तेदार है, किसी से पूछो देने के फिर भी, और हम वोट देने के खुद उनके अधिक कर लगे भाई, नहीं वही दियो जयंत का। तो जाटो में कितना परसेंट केपी मलिक यानी के जाएगा भाजपा को, और कितना हमारे यहाँ से नहीं जाए एक भी वोट? यहाँ से 10 इक्का दुक्का वोट तो कहते नहीं, बाकी ये तो अगेंस्ट की है बात, तो सब कह रहे हैं कि हम उसे देंगे हम उसे देंगे, बाहर से कोई कुछ भी कह ले, अंदर से चौधरी साहब के साथ है। एक सुरक्षा का मसला आ जाता है, गन्ने की पेमेंट का मसला आ जाता है, फिर दंगों की बात लोग कहते हैं कि हम तो भूल गए हैं, फिर एक पुरानी रवायत है यहाँ पर कि नलके को ही देंगे, इसलिए क्योंकि चरण सिंह के परिवार से अजीत सिंह, जयंत चौधरी, उनसे एक लगाव भी है। अब इन सब चीजों को आखिरकार यहाँ वोट तय करने वाला है, कैसा होता है वोट, सबसे बड़ी समस्या गन्ने की। ये ट्रैक्टर गन्ने से भरा हुआ और जाता हुआ मलकपुर चीनी मिल में, मलकपुर चीनी मिल जो छपरौली में आता है, और छपरौली का इतिहास तो सब जानते हैं, 40 साल तक चौधरी चरण सिंह वहां से विधायक रहे और उसके बाद अजीत सिंह भी, और छपरौली वो इलाका जिसने कभी भी राष्ट्रीय लोकदल का साथ नहीं छोड़ा, इस बार तो सपा भी साथ है। तो ऐसे में क्या होने वाला है, समझने वाली बात यह होने जा रही है, बदलाव होने वाला है या फिर आपको लगता है कि यहाँ फिर से कमल खिलेगा? नहीं जी, नली चलेगा, नल चलेगा जी, छपरौली में हमेशा से नल चला, लेकिन वो उम्मीदवार जिसे जिताया वो तो चला गया भाजपा में। नहीं होगा पर चलेगा नली। आप कहते हैं कि जाटों का वोट जो है बढ़ जाएगा क्योंकि भाजपा ने तो भी जाट कैंडिडेट खड़ा किया है, ऐसा होगा? नहीं जी, जयंत के साथ है, समय सब लोग जयंत के साथ। हाँ जी, चलिए उतरते हैं और जरा कुछ और किसानों से भी बात करते हैं। छपरौली के मलकपुर चीनी मिल में इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम किसान देखिए दूर तक ट्रॉलीज आपको गन्ना लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और यहाँ जब चीनी मिल में दिया जाता है ये गन्ना पर्ची मिलने के बाद, और उसके बाद इन्हें पेमेंट मिलती है, किसान कानून आए और फिर वापस भी हो लिए। अब मिजाज क्या है, क्या पेमेंट सही समय पर मिल रहा है क्या? नहीं जी, पेमेंट नहीं मिला 2 साल तक, जब तक योगी गवर्नमेंट है हम बेजा दुखी है, हमारा भुगतान नहीं करा गन्ने का फैक्ट्री ने।
आपको नाराजगी योगी गवर्नमेंट से है, लेकिन यहाँ तो ये प्राइवेट चीनी मिल है। पेमेंट तो ये मतलब और की है, पेमेंट नहीं हो रहा हमारा टाइम पे हुई चाह हम और के चाह और तो जो कुछ हो रहा है। अच्छा ये बताइए, देखिए जैसे ये इनकी एक नाराजगी मुझे दिखाई पड़ी, अब ये बताएं आपके अभी पीछे किसान नाराज इसलिए थे कि किसान कानून का मसला था, लेकिन वो तो वापस हो लिया, तो अब जब किसान कानून वापस हो गया तो कोई अब तो सरकार से नाराजगी नहीं होगी ना? नाराजगी इस वजह से है जी, देखो हमारा जैसे गन्ना डाल रहे हैं हम, ये हमारी मेन मुख्य फसल गन्ना है यहाँ पे, तो इसका पैसा हमें मिल नहीं पा रहा, तो नाराज नहीं होंगे और क्या करेंगे ये बताओ आप? तो क्यों नहीं मिल पा रहा? आप बिना पैसे के तो देते नहीं होंगे गन्ना? नहीं नहीं, फ्री ऐसे ही दे रहे हैं हम, पिछले साल का अभी तक पेमेंट नहीं आया और इस साल का ये मानो आप 2.5 महीने इस साल होगी फैक्ट्री चलते हुए, पिछले साल का 22 फरवरी तक का हमारा खाते में पेमेंट गया है। अच्छा। और पूरी मई 7 जून तक फैक्ट्री चली थी जी। अच्छा, मैं सालों पहले यहाँ आया था, उस वक्त भी आपकी यही शिकायत थी, सरकार उस समय भाजपा की नहीं थी। गन्ना बिल्कुल फ्री चल रहा जी, तेल भी अपना घर से ही फूंक रहे, पेमेंट का कोई वो नहीं है, तो ये हमेशा से ऐसे ही रहता है, हमेशा सरकारें बदलती रहती है लेकिन हमारा भुगतान नहीं होता। भाई महाराज जी तो पीछे मिले या नहीं मिलते, नहीं कोई देता हमें, नहीं मिलेगी कदापि, जो मारे वाला तो आ गया पीछे मिल जाएंगे, नहीं मिलता नहीं। अच्छा हाँ। तो नहीं मैं बताऊंगा जी, सुनो हमें ना दिया ये कानून, जो बना मैं ना वे कानून बने ही उद्योगपतियों के लिए, भाई सुनो मिनट, मारे लेना बनते कानून है, 15 दिन में मिलना था, किसी ने नहीं दुआ छठ तराज लो, और मोदी के 6,000 रुपए ना चाहते हमें तो पेमेंट था, उस तक ना तो हमारा बैंक का लोन दे, बिजली का स्टीम हो जाए हमारा, हमें जरूरत की है 6,000 की उनकी, हमें तो बिजली का बिल दो हमारा वे। तो पेमेंट की समस्या लगातार बनी हुई है, सरकारें बदलती रहती हैं, समस्या बनी रहती है। पेमेंट ये भाई कर रहा था, कोई आवा कोई आ लियो कोई नहीं करवावा, हम तो सब सो रहे हैं सरकार में, जिसकी आई सब ने करवा ली, सबकी आली किसी ने नहीं करवा हमारा पेमेंट, मान लो सब चोर हैं इस मेल में जी, सिर्फ दलालों का पेमेंट हो, सब चोर हैं हमारे इस मेल में, दलालों का पेमेंट हो, किसानों का पेमेंट नहीं होता जी। लेकिन आप सब लोग किसान हैं और आप लोगों की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब देखिए ये जो इस वक्त हम बातें कर रहे हैं, चुनाव का माहौल है, सही बात, और चुनाव के माहौल में जाहिर है समस्याओं का निपटारा जो करेगा बिल्कुल उसको वोट मिलेगा, बिल्कुल है ना, तो किसको मिलेगा वोट? तो जी अब जा लोग अब तो हम चौधरी साहब को लाना चाह रहे जी, अब मैं बताऊं जयंत चौधरी को, क्यों? क्योंकि हमारा पेमेंट वही करा सके जी, उन्हीं से आस है हमारी। आपको क्या लग रहा है जयंत चौधरी है जी लोकदल, किसानों के पहले से ही वेर रहे जी हितेशी, पर वो तो सरकार में भी रहे हैं पहले, और चौधरी अजीत सिंह साहब और उसके पहले चौधरी चरण सिंह, तो पेमेंट तो प्रॉब्लम बहुत दिनों से बता रहे हैं। जब अजीत सिंह नहीं थे मंत्री, उद्योग मंत्री बने, जब 42 मिल लगवाए उन्होंने चीनी मिल, अच्छा जब ही था हमारा गन्ना बिकना शुरू हुआ, उसका पहला हमारा गन्ना 5 रुपए में 7 रुपए में मारे पे मारे बड़ू के पास कुछ नहीं हुआ करता, पहले जनता मिल पट गई थी, उसके बाद उन्होंने दूरी घटाई, उन्होंने 42 मिल नहीं लगवाई, उसके बाद यहाँ गन्ने की अच्छी फसल होने लगी, अच्छा होने लगा, पहले पेमेंट भी अच्छी चली, ये नहीं कभी भी नहीं हुआ, मायावती के टाइम में भी पेमेंट ठीक रही, अब तो बहुत अच्छी रही, इतना पेमेंट अब रुकया जितना, अब भी 200 करोड़ के लगभग रुक रहा, ये तो पीछे धरना दिया था इन्होंने बावली वालों ने, हमने यहाँ मिल में तो इन्होंने शेड्यूल बना के दिया अब भी कि मार्च तक पेमेंट करेंगे, तो अब जो मार्च तक करेंगे पिछले साल का, इस साल का नहीं, अब ये अक्टूबर तक मिल चल रही, अब का तो ये 1 रुपया दे नहीं रही। आपका वोट किसको? हाँ जी आपका वोट किसको? लोकदल को जाएगा। हाँ, आपका वोट किसको जाएगा? अयोध्या में मंदिर बना दिया जी, घर तो राम माँ बाप है हमारे, वे तो भूखे मरण लग रहे, पेमेंट नहीं, दूध 20 साल तक दूध का भाव 45 रुपए किलो है, वो तो बढ़ नहीं रहा इन पे, राम मंदिर बना दिया भाई, हाथ जोड़ लो और पेट भर गया भाई, मजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी से भी तो जाट है, जाट है फिर बीजेपी को देखा धोखा नहीं खा गया, जाट को धोखा ही तो दिया बीजेपी ने, और के काम करा, और के काम करा, 14 दिन में पेमेंट क्या थे दुआ देंगे योगी जी आके देखे न, तो नहीं क्या, तो जाटों का वोट बटेगा नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं बटा, अब की बात नहीं बटेगा भैया, अब की बात नहीं बटेगा, जो पहले बटता था वो आधे आधे हो जाते थे, अब तो देखो भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 सीटों पर जाट उम्मीदवार खड़े कर दिए, अब वो उम्मीदवार से कुछ नहीं होने का, जो उनके मेन कैंडिडेट है वे यही रह जाएंगे और कोई नहीं रहे, गांव में सिर्फ 2% 100 मजा। आप बताओ जी
जाटों के वोट बटेंगे नहीं बटेंगे, बटेंगे लोकतंत्र मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को, योगी को जीरो, योगी भाजपा की जीरो, योगी 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 है सब कुछ। हमारा गंगा का पानी चौधरी साहब ने जुड़वाया था, गंगा का पानी चौधरी साहब ने जुड़वाया सिंचाई के लिए, जिस किसान के यहाँ ट्यूबवेल नहीं है पिछला बकाया आया गन्ने का, यू जो मील लगवा रहा देगा उसे परमिट देने का वादा कर रहा था, गन्ना मंत्री क्यों निकालता है आशी। अब ये है सवाल, आखिर में जो बात समझ में आती है कि गन्ना मंत्री इसी इलाके से बकाया जो किसानों का होता है, ये गन्ना जो आप पीछे देख रहे हैं ये मिलों को देते हैं पैसे एक डेढ़ साल बाद क्यों आते हैं, ये सवाल लगातार कायम, आज भी कायम, और ऐसे में इनका कम से कम कहना कि बदलाव की बयार बहेगी। इस इलाके की पहचान चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह बागपत में पड़ने वाले तीन विधानसभा बागपत, बड़ौत और छपरौली में से, छपरौली से लगातार 40 वर्षों तक विधायक रहे और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति और फिर देश के प्रधानमंत्री भी बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे ही। उनके लड़के चौधरी अजीत सिंह केंद्र में कई बार मंत्री रहे और अब जबकि वो दुनिया में नहीं हैं, सारी निगाहें जयंत चौधरी की तरफ जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और एक बार फिर ऐसे में जबकि किसान आंदोलन ने फिर से वो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को ताकत दी है, सारी निगाहें इस बात पर कि क्या दोनों समुदाय मिलकर वो मैजिक फिर से खड़ा करते हैं या फिर जिस तरह से पिछली दफा कमल खिला यहाँ की तीनों सीटों पर, मामला वही रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मेंबर खड़ा हो जाएगा वही होगा, आप लाठी को खड़ा कर दिए लाठी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ इतना वो है विकास करी इतनी विकास, अच्छा विकास, बहुत विकास हुआ है देश को, क्या चाहिए विकास चाहिए ना, तो विकास हमारा हो रहा है, देखो तो तीन की चाहिए पब्लिक को, पानी बिजली और ये सड़कें, तीनों चीज हमें योगी जी ने दी है, हम इन्हीं को वोट देंगे। असदुद्दीन ने क्या कहा, ओवैसी ने क्या कहा, हाँ। कि एक तरफ इन्हें 15 मिनट के लिए हटा दो और फिर देखो हिंदुओं का हम क्या करते हैं इलाज, हाँ, उसके भाई ने कहा ठीक है उसने एक ही पार्टी है, अच्छा। भाई अब सारे थोड़े बोलेंगे, हाँ। एक इससे बुलवा दिए, एक से जो उनकी वंशा है वो ये है। तो आप तो कह रहे हैं कि मामला हिंदू मुस्लिम जाएगा, अभी तो आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास भी है हिंदू मुस्लिम भी बहुत जरूरी है, विकास भी है इस इलाके में, तो हिंदू मुस्लिम मिलकर वोट देते हैं इसके लिए ये जाना जाता है, सारे रहते हैं लेकिन उनकी आप भावनाएं देखिए कि उनकी क्या सोच क्या है उनकी। हाँ भैया बताओ, नलका या कमल छाप? कमल चाहिए जी, मैं तो कमल, क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसे काम हुए हैं जो आज तक किसी ने करे ही नहीं, जैसे कि घर बनवा दिए, राशन दे दिया, सिलेंडर दे दिए, शौचालय बनवा दिए, सड़क बनवा दी, ऐसी ऐसी सड़क बन गई किसी ने देखी भी नहीं, सब बंद। बात बताओ कोई सब नलका या कमल की बात करता है, बसपा कांग्रेस इसकी तो बात कोई कर ही नहीं रहा जी, नहीं कमल खिलेगा नहीं, यहाँ पे कोई बसपा का कोई नहीं, क्या बात कर रहे हो, बसपा ने यहाँ तो कई बार सीट भी जीती है जी, नहीं हम तो कमल के समर्थक हैं, आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि शहर शहर तो भाजपा, शहर भाजपा, तय भाजपा, जय भाजपा, तय भाजपा, जय भाजपा, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी से है? बिल्कुल जी, अच्छा इसीलिए नारे लगा रहे हैं जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये तो आपका व्यू हो गया लेकिन इलाके में मिजाज क्या है? मिजाज भाजपा का है, एक तरफा भाजपा आएगी, योगी जी आएंगे, पर उधर लोकदल और सपा वाले मिल गए, कुछ नहीं है, मिलने से कुछ नहीं होता, पहले भी मिले थे अब की बार भी मिल जाएंगे, आधे में राम आधे में गांव, पर वो कहते हैं कि जाट मुस्लिम मिल जाते हैं तो इस इलाके में चमत्कार हो जाता है। जाट है हम तो नहीं दे रहे, हम भी जाट है बिल्कुल भी नहीं दे रहे, भाजपा को देंगे, बीजेपी को जावेगी, बीजेपी पर काम के है, बड़ौत में नहीं रहता कोई भी, बड़ौत में सब काम की रावे ऐसी, बड़ौत में सब पटन भी काम का आवे, दुकानों पे काम करे वे काम के करे, व्यापारी जो है वे काम के, सामान खरीदने काम के सब यहीं आवेंगे, यहाँ डॉक्टर का अपहरण हो गए थे, व्यापारी को अपहरण हो गए थे, एक का अपहरण करके दिखा दो, कैटी चोरी नहीं होती, जा खूब चलाओ अपनी पंप पंप पंप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखिए
इन बातों में एक चीज परिलक्षित है और वो ये है कि काम के आधार पर वोट हम देंगे, ये बात कहते हुए यहाँ के लोग नजर आते हैं और कहते हैं कि काम तो हुआ है जी। अब वो जो एक पैमाना होता है काम का, सड़कें बनी है, कुछ कह रहे हैं कि रोजगार हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से हालात ज्यादा बेहतर हुए हैं, तो क्या ये मानदंड होने जा रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें भी होने जा रही हैं जो पिछले दिनों हमें किसान आंदोलन के दौरान दिखाई पड़ी थी, वो समझना भी जरूरी है। बागपत पहुंचे और फिर बड़ौत पहुंचे और चाचा चाट की तरफ ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। हरिंदर जी सामने आ रहे हैं और जरा ध्यान से देखिए, पिछले दिनों इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था और वो जो WWF की तरह इन्होंने पहलवानी करी थी और दुनिया भर में इनको लोगों ने देखा था वो पहलवानी करते हुए। चाचा हमारे साथ है, आप तो बड़े डेंजरस से उसमें दिखाई पड़ रहे थे, बड़े खतरनाक है, क्या नाराजगी हो गई थी? नाराजगी, बच्चों को कुछ मार पिटाई कर दी थी उन्होंने, फिर मुझे गुस्सा आ गया था जी। तो ये तो बगल बगल का मामला है, पड़ोसियों में ही हो गया था। हाँ बस हो गया था जी, लेकिन अब तो सुलट गया है सब मामला, अब तो कोई तनाव नहीं है। नहीं जी नहीं। क्यों भाई, अब सब सही है? हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, इन्हीं लोगों के साथ हुआ था तनाव लेकिन अब दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी। पर आपकी फाइटिंग जो थी वो तो कमाल की थी जी। अब देखिए एक फाइटिंग और हो रही है जी। और वो हो रही है चुनावी। अच्छा जी, तो चुनावी में बताइए कि इस इलाके में क्या चल रहा है? इलाके में बढ़िया चल रहा है जी, ये जो है बीजेपी की सरकार बढ़िया है चल रही है, यहाँ की चेयरमैन भी बढ़िया काम करा रही, अच्छा हिसाब किताब है जी। तो ये कहते हैं कि पिछली बार कमल खिल गया तो चमत्कार हुआ, उसके पहले तो यहाँ कभी कमल नहीं खिलता था जी। अब इस बार भी खिलेगा जी, इस बार भी अच्छा प्रोग्राम, सभी बड़ौत में रौनक बढ़िया चल रही जी, बड़ौत का चेयरमैन बढ़िया है, जाट वाले चाचा है ये, और कमाल कर दिया था इन्होंने। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो बस एक बार का मामला था, ऐसा नहीं है, लेकिन चुनावी हवा तो बता रहे हैं कि कमल खिलेगा, है ना जी। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल का जब भी जिक्र आता है तो ये शेर जरूर पढ़ा जाता है। हम इस वक्त बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर हैं, जहां पर इन दोनों शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं, शहीद वतन अशफाक उल्ला खान और शहीद वतन रामप्रसाद बिस्मिल। ये मूर्तियां शायद इस पूरे इलाके के सांझी विरासत की गवाह हैं और इस बात की भी गवाह कि अभी से इस बात को समझना जरा मुश्किल है कि इस बार बागपत के दिल में क्या है। कैमरामैन अमित राय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज 24 बागपत।